तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आ चुके हैं एक और नए विषय, तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। बट यार आज पिछले वाली वीडियो में देखा था आपने कि यार हम लोगों ने भाई माइनक्राफ्ट में कतई तबाही मचा दी थी, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था एक ट्रेडिंग हॉल काफ़ी मस्त सा, और उसको यार हम लोग ऐसे स्प्लैश पॉइजन दे करके ज़ोंबी विलेजर को क्योर करके, और फिर हम लोग उस ज़ोंबी विलेजर को क्योर करने के बाद भाई हम लोगों को क्या ही मिल रहा था। तो मतलब क्या इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ज़ोंबी वाले को बनाया था, मतलब एक ट्रेडिंग हॉल बनाया फिर बनाया है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे क्या देख रहा हूँ भाई, ये तुम लोग मत देखो भाई। तो खैर बात की बात है, तो गाइस यार मैंने बनाया था एक ट्रेडिंग हॉल, उसके बाद फिर उसमें ढेर सारे मैंने लगाए, और फिर मैंने मेंडिंग वाले लाइब्रेरियन को भी चूज़ किया था वहाँ पे भाई, बहुत मेहनत लगी थी, बार बार तोड़ करके रखना था। तो उसके बाद यार फिर मैंने एक ज़ोंबी जो अपने ज़ोंबी विलेजर को विलेजर में कन्वर्ट करने वाला वो जो मशीन बनाया था, तो उसमें से हम लोगों ने ज़ोंबी विलेजर को विलेजर में 3-4 बारी से उसको किया, तो जा करके यार वो अब मेंडिंग है जितने भी, वो एक एक एमरल्ड्स में दे रहा है, एक या दो एमरल्ड्स में से दे रहा है। तो गाइस यार आज हम लोग को बनाने वाले हैं मस्त सा बड़ा सा गोल्ड फार्म बनाएंगे। यार उससे अपने सही सुने, आज हम लोग बनाने वाले हैं बड़ा सा गोल्ड फार्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब यार देखो गोल्ड फार्म बनाने के लिए तो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है, और वो सब चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि देखो अभी गोल्ड फार्म बनाएंगे ना तो उसमें ज़्यादा यूज़ होगा गोल्ड हम लोगों का, ठीक है। तो मतलब नेदर वगैरह में जाएंगे तो हम लोग यार ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को ढेर सारी गोल्ड चाहिए। तो चलिए यार वो वाली गोल्ड फार्म बनाते हैं, मिलते हैं आप लोगों को बाहर 2 मिनट, बस यार सारे सामान लेकर के आप लोगों से अभी मिलता हूँ। भाई यार आज का शॉर्टकट है एक्स फेरी फायर, XFF लिखा है भाई, थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम बंगाल। अम्मा है भाई समझ रहा हूँ तुम बंगाल से। तो भाई यार देखो सबसे पहले ये वाला एरिया मैंने चूज़ किया इसलिए ताकि ये एरिया थोड़ा मुझे बड़ा लगा। अभी यहाँ पे देखो ऑब्सीडियन लगाना है, 15 ऑब्सीडियन लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर लग जाना है 10, और ये 11, 12, 13, 14, 15 ऑलराइट। तो इधर का इधर आप लोगों को 15 ऐसे लंबे में करना है, और ये जो इसकी हाइट जो होगी ऊपर की तरफ वो 14 करना है, ताकि यार ये 15x15 का बन जाए, ठीक है। तो एक ऑलरेडी नीचे है, और यहाँ पे हम लोग हट जा भाई, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ ना, कितना हुआ भाई, नीचे से जाएगा तो 5 हुआ या 4 हुआ, अभी मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है, एक सेकंड में अभी डर्ट लगा के देखता हूँ। ये ऑक्सीडियन में पता नहीं चलता है भाई, ब्लॉक्स वगैरह इसमें कुछ पता नहीं चलता कि कितने से कितने ब्लॉक लगाए हैं। तो खैर इसको पता करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये जो नेदर रैक है मैं उसको ऐसे 1, 2, 3 ऊपर 4, हाँ मुझे पता चल गया ये 4 है। अभी देखो कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, नीचे वाले जोड़ करके मैं 5 बोला था, ठीक है। तो भाई यार फटाक से चलते हैं अभी ऊपर की तरफ और इसको लगा देते हैं पूरा, ठीक है। यार ये 4 हुआ था, इसको ऊपर करना है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये एक और लगेगा भाई 14, और नीचे 15, ये भाई ओ भाई मेरे को इमेजी नहीं आती भाई, मैं सस्ता उस्ता इमेजी करता हूँ, देख आप लोग थोड़ा। तो क्या आप इधर के साइड भी वही सेम टू सेम करना है जो मैंने उधर 14 का हाइट किया था, अब इधर भी हट जा तो यार एक ऑलरेडी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला जो मैं एक्स्ट्रा था वो जोड़ करके लिया था, अब यार इसको पूरा एक्सटेंड करना है वहाँ तक, ठीक है। तो इसको भी वहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग आगे चल करके, ठीक है। अब इसमें तो गिनने विनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद से घट जाएगा। अरे भाई परफेक्ट हो गया, देख रहे हो एकदम, मतलब ना आगे ना पीछे, ये भाई पूरी की पूरी परफेक्ट ही हो गई है। अब चलते फिर से नीचे, MLG करेगा भाई, इज्जत बचा लेना। हाँ भाई बच गया, वैसे MLG वगैरह मेरे को आती नहीं, ये सब ऐसे ही सस्ते में कर रहा हूँ, ठीक है। वो प्रो को बुलाया था MLG करने के लिए, ठीक है। ये देखो ये चीज़ हो गया अपना पूरा बड़ा सा लग रहा है। अब जो काम है वो हम लोगों को चेक करना है कि जो भी ज़ोंबी बोल रहा हूँ मैं यार, जो पिगलिंग्स होते हैं वो किधर की तरफ यार वो लोग निकलते हैं, तो वो हम लोगों को भी टेस्ट करना है। तो सबसे पहले यार यहाँ पे ब्लॉक्स हम लोग लगाएंगे इस टाइप से, देखो ये एक ब्लॉक मैंने लगाया था, 2 और 3, इधर हम लोग 3 ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद करना क्या आप लोगों को यहाँ पे यार, ये देखो डिस्पेंसर यहाँ पे एक लगाना है, और फिर यार यहाँ पीछे की तरफ यार ऑब्जर्वर आप लोगों को लगाना है, एक इस तरफ लगाना है। अरे यार ये इसका फेस इधर हो गया, एक सेकंड गाइस, इसका जो फेस है ना वो इधर को होना चाहिए ऐसे, इस टाइप से ये इधर को फेस होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये और एक और यहाँ पे ये लगा, तो भाई ये देखो चालू हो गया, अभी पीछे से रेड बटन जल रहा है, मतलब इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से अभी ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फ्लिंट मारना है, मैंने उसमें पानी डाल दिया था। तो ये देखो
वाटर बकेट एक डाला उसके अंदर डिस्पेंसर के अंदर, और भाई यहाँ पे एक मतलब फ्लिंट मारा था, तो यहाँ पे देखो काम कितनी मस्त तरीके से कर रहा है। अब वाटर बकेट वापस ले लेना है, तो हमें पता चल गया कि जितने भी मतलब कि जॉगलिंस है मतलब हॉगलिंस है वो लोग इधर की तरफ को निकल रहे हैं। तो अब भी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इधर को आना है। अरे यार मैं जॉगलिन हॉगलिन बोल रहा हूँ, पिगलिन है भाई ये, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है, गलत मत समझना। तो क्या यार इधर की तरफ वही हम लोगों को सेम टू सेम करना है, इधर को घुमाना है, फिर यहाँ पे रखना है आप लोगों को एक, यहाँ पे आकर के आप लोगों को डिस्पेंसर रखना है, ठीक है। तो यार सबसे पहले डिस्पेंसर नहीं रखना, ऑब्जर्वर रखना है, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर और लगाना है इस टाइप से, ये दोनों अभी चालू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है, ठीक है, इस टाइप से ऐसे बैठ करके एक ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे यार आप लोगों को एक लगा देना है डिस्पेंसर लगाना है, ठीक है, ये वाला डिस्पेंसर लगाना है। अभी पूरी कन्फ्यूज हो रहा था मैं कौन डिस्पेंसर ये वो। तो भाई यार यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके अंदर एक वाटर बकेट डाल देना है। अब यार जो काम करना है वो आप लोग को बहुत ही मतलब भाई दिमाग खोल के देखना पड़ेगा अगर आप लोग इस टाइप से बनाओगे। नहीं ये जो ब्लॉक था इसके ऊपर से एक ऐसे करना है और इसी के ऊपर से एक और ऐसे निकालना है। अब भाई इसको तुम पूरी तरीके से पीछे की तरफ फील कर लो। अरे यार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ब्लॉक लग जा रहा है ये तो। एक सेकंड यार इसको हटा लें दो, तू भाई तू आ जा इधर भाई। ये भी इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम होने जा रही है धीरे धीरे भाई। एक तो मेरे पास इसकी अनब्रेकिंग नहीं है, मेंडिंग लगाऊंगा तो भाई मेंडिंग काम नहीं करती है सही से। पिकैक्स में पता नहीं मेंडिंग बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली काम करता है। तो इसको पूरी तरीके से कवर अप कर देना है ऐसे चारों तरफ से, ये जाएगा मतलब इधर के साइड से। स्टोन ख़त्म हो गया, अरे यार कॉबल स्टोन से काम चलाता हूँ, मेरे पास होंगे पड़े हुए, क्या क्या फ़ायदा। अभी पीछे की तरफ तो ऐसे है, फिर बाद में देखूंगा अगर मेरे पास, बाद में कर दूंगा इसको यार दूसरे ब्लॉक से, एक जैसे ब्लॉक से मैं क्वार्ट्ज से करने वाला हूँ, ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज आते हैं ना उससे करने वाला हूँ। तो यार ये हो गया, अब इसके ऊपर एक और ब्लॉक चढ़ेगा, ठीक है, ये जो ब्लॉक है ना इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ेगा। तो इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा देते हैं हम लोग फटाक से भी, ठीक है। तो यहाँ से एक, यहाँ से भी ऐसे करके, यहाँ से भी ऐसे करके, यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से। अब यार इसी की देखो इसी टाइप से ये चलते रहेगा, ठीक है, मतलब इसको पूरी ऐसे करना है, ये हो गया डन। अब क्या करना है आप लोगों को, यार सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको पूरी तरीके से पैक कर देना है ऊपर में ऐसे, और ये इधर आ जाएगा ऐसे। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आप लोगों को जाना है और वहाँ ट्रैप डोर प्लेस कर देना है। ये देखो यहाँ पे आप लोग आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले का हिस्सा जो है वो ऐसे पैक कर दो सबसे पहले। अब यहाँ पे आप लोगों को यार ट्रैप डोर लगाना है, ठीक है। और ट्रैप डोर कैसे लगाना है मैं आप सभी को बताता हूँ। ये आप लोगों को यहाँ से ट्रैप डोर लेना है और यहाँ पे क्राउच होकर के इस तरीके से आप लोगों को बैठ जाना है, ठीक है। और जितने भी ट्रैप डोर है उन सभी को ओपन कर देना इस टाइप से। ये देखो ये मैंने ओपन किया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, और यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब यार ऊपर जाना है हमें, फटाक से चलते हैं ऊपर की तरफ। अरे यार तुम एक सेकंड, यहाँ पे क्राउच होकर के तो इस पर लगा ही सकते हैं ना, इस पर तो लगेगा नहीं, जंप करके नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लगा लेते हैं, एक काम करते हैं, मैं क्या ही बेवकूफियत वाला काम कर रहा हूँ भाई। हाँ ये आ गए, अब फटाक से इसको तोड़ लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब जो काम बचा है यहाँ पे फटाक से यार एक लावा डालना है हम लोगों को, ताकि यार हम लोग टेस्ट कर सकें कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपना ऑटोमेटिकली टाइप का, जो ऑटो टाइप का होना चाहिए, मतलब कि यार ये जो ब्लिंक करता हुआ होता है ना पोर्टल, उस टाइप का वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, बस हम लोगों को वो चेक करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आया, ओ भाई एक आ गया भाई, अभी एक ही आया है, और ये देखो भाई काम करना चालू कर दिया भाई, देख रहे हो कितना मस्त तरीके से वर्क कर रहा है अपना। और यहाँ पे कितने सारे जो हैं वो आ गए पिगलिंस वगैरह, इस बार मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। तो भाई ये देख सकते हो एक बारी में मतलब कितने सारे पिगलिंस आते जा रहे हैं। अब यार इन लोगों को मारूंगा तो इन लोग यार हमें स्वॉर्ड देंगे गोल्ड का, और इन लोगों को मतलब स्वॉर्ड को स्मेल्ट करने के बाद फिर हम लोगों को नगेट्स मिलेंगे, गोल्डन नगेट्स, जिससे यार हम लोग गोल्ड ले सकते हैं। अब गोल्ड लेने का चांस तो थोड़ा सा मतलब लो है, तो क्या कर सकते हैं। तो यार यार यहाँ पे आ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, और जितने भी लावा है मतलब मैंने डाला था यहाँ पे लावा, वो लावा फटाक से मैं निकाल देता हूँ ऐसे।
तो और इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि यार अभी हम लोगों को अपना किलिंग चैम्बर भी बनाना है, तो ये लोग डिस्टर्ब कर देंगे बनाने में। ठीक है, तो फटाक से चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से यार अपना पानी जो है वो भी निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, ये पानी आया अपने पास, आ जाओ भाई, चलो ये काम हो गया। अब हम लोग सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पे एक बनाते, भाई कितने सारे हैं देख रहे हो, थोड़ा सा मुझे दो मिनट दे दो, मैं काम ख़त्म कर लेता हूँ। कुछ नहीं दोस्त, बस देखते रहो क्या कर रहा हूँ मैं। तेरी भैंस की, सुन ओए चट्टू इधर। तो भाई देख सकते हो सारे सारे इसके जितने भी खानदान सब उड़ के भागते आ जाएंगे मेरे पास मारने के लिए। ये देखो भाई, ये देखो, डर वर तो लगता नहीं इन लोगों, तो भाई दो मिनट दो इन लोगों सबक सिखा के, मैं आप लोग को मिलता हूँ दो मिनट। तो अरे सब मर चुके, वहाँ पे एक बंदा बचा है, ये पड़ा। मैं देख रहा तुम्हारे भाई का निशाना, अरे तीरंदाज हूँ मैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो खैर यार यहाँ पे देख सकते हो भी कितने सारे स्वॉर्ड्स मिल चुके हैं, यहाँ पे स्वॉर्ड वगैरह हैं। एक चीज़ ये क्या है भाई, ये कौन सा लूटिंग थ्री वगैरह दे देता तो फिर क्या ही बात थी भाई। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, पहले इस फेदर को हटाओ, गोल्डन स्वॉर्ड या नॉर्मल वाला, यहीं पर तो था भाई, क्या दे रहे हो, एक अच्छा सा स्वॉर्ड दे दो भाई कुछ। ये क्या देगा भाई, लूटिंग वगैरह दे दो जिसमें काफ़ी मज़ा आ जाए। ये क्या दिया, नॉकबैक भाई, ये तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो खैर बात की बात है, तो गाइस यार आगे का हम लोग काम करते हैं अभी इस फटाक से। इसको क्या करना है, देखो ये जो अपना स्टार्टिंग एरिया है ना, यहाँ से हम लोग पूरे एंड कॉर्नर तक हम लोगों को डिग करना है। ठीक है, इधर साइड से ऐसे, उसके बाद ये पूरे एंड में जाएगा। तो यार जब तक ये एंड में जा रहा है, तब तक आप लोग एंड से एंड टू लाइक कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि देखो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अभी, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी देखो यार सबसे पहले माइनक्राफ्ट में हम लोगों को ना बहुत काम अभी बाकी है। तो अगर आप लोग ये सब्सक्राइब करोगे तो वो जितने भी काम है ना वो मैं जल्दी जल्दी काम करूँगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी कर भी दूंगा, बट कर दो यार क्या मिलता है, सब्सक्राइब ही तो करना है, फटाक से सब्सक्राइब कर दो। सो प्लीज सारा पकड़ा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो खैर ये देखो, ये वाला फ्लो का पानी का फ्लो था यहाँ पे, अब इसको एक डिग करना है ताकि ये नीचे की तरफ फ्लो हो जाए। यहाँ पे इसको भी करना है, इसको हटाना, अब यार एंड तक नीचे भी इसको भी करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आप लोग ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये हो गया यहाँ पे, अब यार इसके पीछे मैं अगर इसको तोड़ूंगा तो फिर यार पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको मेकअप करना है, तो पूरा मेकअप कर लेते हैं। तो ऑलरेडी यार ये पूरा मेकअप भी हो चुका, अब यहाँ पे यार ग्लास लगाते हैं, क्योंकि यार पिगलिंस देखो, अगर पिगलिंस आएंगे यहाँ से तो वो लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में आएंगे तो ऑफकोर्स वो लोग बाहर की तरफ इधर से निकल भी सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्लास लगा देते हैं ताकि वो लोग यार बाहर की तरफ को ना निकल पाएँ। अब यहाँ पर यार ये चीज़ तो डन हो चुकी, अब क्या करना है हम लोगों को सिंपली, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले एक साइन बोर्ड लगाओ ताकि यार पानी का फ्लो जो है वो एक जगह पर रुक जाए। ठीक है, अब नीचे की तरफ तीन को डिग करना है। ठीक है, एक दो, और यहाँ पे एक और करना है, तीन, तीन को डिग कर दिया यहाँ पे। उसके बाद अभी नीचे की तरफ चलते हैं, अब यार इसको पूरा एक किलिंग चैम्बर बनाना है। ठीक है, पूरा एक एरिया बनाना है, किलिंग एरिया, और बाहर बाहर निकलने का वो सब बनाना है। ठीक है, तो गाइस दो मिनट दो, मैं वो किलिंग चैम्बर बढ़िया से बना करके यार इसको आप लोगों से अभी दो मिनट में ही मिलता हूँ। ठीक है, 2000 years later। तो और क्या, ये चीज़ बन चुका, अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, देखो नीचे की तरफ डिग करके यार दो चेस्ट डालना है यहाँ पे, एक ऐसे एक ऐसे, और यार यहाँ पे आप लोगों को हॉपर डालना है। हॉपर ठीक है, इस ये जो एरिया है ना ऊपर से, इसके ठीक सामने डालना है, ये जो ऊपर जो छेदा आ रहा है जहाँ से वो लोग गिरेंगे, तो यार वो सिंपली इसके ऊपर ही गिरेंगे, हॉपर के ऊपर ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्लास लगाना है, ग्लास कैसे लगाना है वो आप लोग देख लो, एक यहाँ यहाँ, एक और टाल लेना यहाँ, तीन, ताकि इधर साइड टू साइड में ये पैक हो जाए, और नीचे हॉपर के पास अरे एक स्लैब लगा देना, स्टोन का स्लैब, जो भी स्लैब आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ यार, आप लोग जो वो वाला मशीन बनाओगे ना किलिंग चैम्बर के ऊपर वाला जो डिस्पेंसर के पास रहता है, ठीक है, लावा वावा के पास, वो लोग यार आप लोग वुड का मत बनाना वरना वो जल जाएगा। ठीक है, आप लोग यार ऐसे ही नॉर्मल उसका बना लेना, ठीक है, स्टोन का ही बनाना। ठीक है, तो अब फटाक से चलते हैं यहाँ पे, लावा वावा डालते हैं, और जो भी है काम करने के लिए वो हम लोग डालते हैं, लीवर यहाँ पे डाला मैंने, और लावा ओवर डाल करके सबसे पहले फटाक से चलते हैं ऊपर की तरफ, और इसको एक्टिवेट करके देखते हैं भाई कैसा वर्क कर रहा है हमारा। तो फटाक से चलते हैं ऊपर यहाँ पे, और बैठ गए, ये लावा डाला मैंने, अब यार इसमें मेरे को पानी भी डालना होगा,
तभी काम होगा, ठीक है। तो पानी वानी लेकर के आते हैं, उसके बाद फिर मस्त से इसको अपना वर्क करते हुए देखते हैं और पिगलिंस की बैंड बजाते हैं। तो आई टेल, ये पानी लेकर के आ चुका हूँ, पर मैंने पानी भी डाल दिया, अब इसको एक्टिवेट कर दिया। ये देखो भाई अपना क्या मस्त सा लग रहा है, ये देखो किसी भी तरीके से नीचे ऑलरेडी है जमा हुआ। तो इसको क्या करूँगा मैं यार, थोड़ी सी अगर मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँगा, ताकि मतलब ये जो जहाँ पे आप लोगों को ग्लास दिख रहा है ना, इसको हल्का इधर कर दूँगा, ताकि ये लग ये जो अटक रहे हैं ना वो डायरेक्टली नीचे चले जाएँ, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यार देखो मेरे पास शार्पनेस 4 है, तो ऐसे मैं दो हिट में भी लोगों को मार सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट यार ये ऐसा ही काम करता है। अभी सबसे पहले यार इसको रोक देते हैं हम लोग और चलते हैं इन लोगों की बैंड बजाने के लिए। फटाक से नीचे चलते हैं, उन लोग थोड़ी सी यहाँ पे जितने भी भीड़ लगाए हैं, इन लोगों की भीड़ को कम करते हैं। यार देख रहे कितना सारे पिटने के लिए आ गए हैं भाई, अभी मेरे को डैमेज होगा, एक हार्ट चला जाता है। अभी देखो कितने सारे हैं मेरे पास, अभी मेरे पास 13 है, तो लिटरली कितना हो जाएगा मेरे पास भाई। यार यही ये जो फार्म भी है ना, वो बहुत ही मस्त फार्म है, इससे आप लोग को गोल्ड भी मिल जाता है और एक्सपी तो दबा के मिल जाती है। ये देखो भाई एक बारी में कितना एक्सपी मिल गया, अभी मैं जस्ट ऑन किया तुरंत बंद कर दिया, मुश्किल से मुश्किल 6-7 होंगे पिगलिंस। तो मुझे यार देखो 14 में आ गया मैं, ये देखो 14 XP। तो गाइस यार ये बहुत ही मस्त XP है, अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरीके से ट्राई करो। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुई होगी या इस वीडियो देखने में या फिर बनाने में, आप लोग भी बना सकते हो, ये तो मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बना रहा हूँ, तो आप लोग देख करके बना सकते हो। अगर आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत होगी तो यार मुझे डिस्कॉर्ड पर मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना। ये रही मेरे डिस्कॉर्ड की लिंक, आपके डिस्क्रिप्शन मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग जाओ डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पर मैं भी हूँ तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। कुछ भी दिक्कत होगी या तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो और मेरे साथ एटोनस आईडी पे खेल सकते हो। मैं जल्दी यार आप लोग के लिए एक पब्लिक SMP लाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें यार हम लोग सबको ही खेलेंगे आराम से बहुत मस्त तरीके से। तो पब्लिक SMP है वो, उसमें आप लोग भी खेलोगे और मैं आप लोगों के साथ यार हमेशा खेलता रहूँगा, हर संडे टू संडे, छुट्टी टू छुट्टी, मतलब जो भी छुट्टी रहेगी ना, मतलब उसमें मैं आप लोगों के साथ हमेशा खेलता रहूँगा, अभी तो छुट्टी नहीं है। तो यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, यार आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।